Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. झारखंड से ऐसी खबर सामने आ रही जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। दरअसल झारखंड में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने राज्य के 14 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के एटीएस ने 14 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आतंकी लोहरगढ़ जिले के हिंजला कोआ खाप से पकड़ा गया। पुलिस ने इसे 2 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी SDPO श्रद्धा केरकेट्टा ने की है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है जो अलकायदा का एक हिस्सा है। ये संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। AQIS का उद्देश्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना और आतंकवादी हमलों को अंजाम देना है। लेकिन एटीएस ने इस छापेमारी को बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। अलग अलग जिलों में एक साथ छापेमारी कर आतंकवादियों को धर दबोचा गया। इस कार्रवाई में हजीराबाग के पिलावन समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 7 आतंकवादियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी आतंकी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ जारी है और पुलिस और ATS की टीमें मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने न केवल झारखंड बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। झारखंड सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस कार्रवाई को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकवाद के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने राज्य और केंद्र सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। अलकायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को और भी अधिक सतर्क और मुस्तैद रहना होगा। इस घटना से ये बात स्पष्ट होती है कि आतंकवादी संगठन अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में आम जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। खैर, झारखंड में ATS द्वारा की गई इस कार्रवाई ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सबसे आगे है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से 7 आतंकवादी जिंदा पकड़े गए हैं उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।